गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयास ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वन संपदा जंगली जानवरों जीव जंतुओं के जीवन को बचाया जा सके। ये बात डीसी विवेक भाटिया ने जंगलों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के बारे में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग का दायित्व है कि जंगलों में आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें और उनकी सूचना तुरंत प्रशासन को देना सुनिश्चित करें ताकि आग लगाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गत वर्ष मई माह तक 111 मामले आगजनी के सामने आए थे, जबकि इस बार मई माह तक जागरूकता के चलते केवल 7 मामले ही सामने आए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला के उन स्थानों को चिन्हित करना सुनिश्चित बनाए जहां पर 5 सालों में निरंतर आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने SDM और BDO को निर्देश दिए कि आगामी 1 सप्ताह के भीतर बैठक करके लोगों को जागरूक करें। उन्होंने बताया कि आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए संबंधित विभागों के अतिरिक्त पंचायत प्रतिनिधियों, महिला व युवक मंडलों, स्वयंसेवियों के अलावा स्थानीय लोगों की भी सहभागिता सुनिश्चित बनाएं ताकि आगजनी के दौरान आपसी सहयोग से प्रारंभिक स्तर पर ही काबू पाया जा सके। DFO सरोज भाई पटेल ने जिला में आगजनी की घटनाओं को लेकर किए जा रहे विशेष प्रबंधों की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर कमांडेंट अजय बोध, DRO देवीराम, अधिशासी अभियंता विद्युत MS गुलेरिया, SDM प्रियंका वर्मा, विकास शर्मा, ACF शुक्ल शर्मा भी मौजूद रहे। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालाजी मंदिर में आजकल बाहरी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व यूपी के हजारों श्रद्धालु मां ज्वाला की ज्योतियों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और मां का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में आजकल गर्मियों के मौसम को देखते हुए मंदिर में ठंडे पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने अतिरिक्त लोगों की भी नियुक्ति की है, जिससे सभी श्रद्धालुओं को पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मंदिर प्रशासन ने इसके अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने व लाइनों में लगाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी बुलाया है। हिमाचल में जैविक और प्राकृतिक खेती के उद्देश्य से जैविक कृषि सोसाइटी, जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय तथा राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे ने किया। प्राकृतिक खेती के आदान प्रदान को प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के किसानों के प्राकृतिक खेती के उत्पाद जैसे कि सब्जियां, अनाज, मोटे अनाज, चाय आदि प्रदर्शित किए गए हैं। 2 दिन तक चलने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में 20 किसान और 32 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत लंबे समय से जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके ही प्रयासों से इस विधि की जानकारी सुभाष पालेकर प्रदेश में अनेक स्थानों पर किसानों और वैज्ञानिकों का जीरो बजट प्राकृतिक खेती के तरीकों और फायदों की जानकारी दे चुके हैं। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे ने बताया कि सरकार विलुप्त होने के कगार पर औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 2022 तक जैविक राज्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग ही जैविक और प्राकृतिक खेती पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस साल प्राकृतिक खेती के लिए 500 किसानों को प्रेरित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 3500 किसानों को इस खेती के लिए प्रेरित किया गया है। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर एक की सामूहिक जिम्मेदारी थी और युवा पीढ़ी को इसके बारे में बताना चाहिए।
करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हाईकोर्ट के आदेशों के बाद रेलवे की भूमि में बनाए गए 7 अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था, जिसमें 4 मंदिर, एक गौशाला, एक सरकारी स्कूल और एक कुष्ठ आश्रम शामिल थे। अवैध कब्जे हटाए जाने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान कुष्ठ आश्रम का ही हुआ था, क्योंकि इस आश्रम में 20 के करीब परिवार रह रहे थे, जिससे ये सभी परिवार सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में भी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए थे। ना ही इन्हें बिजली की कोई व्यवस्था थी, ना ही पानी की। लेकिन आईएएस अधिकारी राकेश प्रजापति द्वारा ऊना में बताओ डीसी का पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही कुष्ठ रोगियों को छत मुहैया करवाने की दिशा में विशेष कदम उठाने शुरू कर दिए थे। डीसी राकेश प्रजापति ने कोटला खुर्द के समीप कुष्ठ आश्रम के लिए भूमि आवंटित की और विभिन्न विभागों के सहयोग से करीब 45 लाख की लागत से कुष्ठ रोगियों के लिए प्री फैब्रिकेटेड ढांचा तैयार करवाया। इस ढांचे में कुष्ठ रोगियों के लिए 20 कमरे बनाए गए, जबकि इसके साथ ही शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। कोटला खुर्द में तैयार छिन्नमस्तिका कुष्ठ आश्रम स्थल का आज पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उद्घाटन किया। वीरेंद्र कंवर ने कुष्ठ रोगियों को पेश आने वाली अन्य समस्याओं को भी शीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं डीसी ऊना राकेश प्रजापति ने बताया कि जिला में सरकारी स्तर पर पहली बार प्री फैब्रिकेटेड ढांचा बनाया गया है। डीसी ऊना ने बताया कि कुष्ठ आश्रय स्थल के निर्माण के लिए चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के अलावा कई विभागों ने सहयोग किया है। वहीं आज आशियाने मिलने के बाद कुष्ठ रोगियों के चेहरे खिल उठे हैं। कुष्ठ रोगी ने कहा कि घर टूटने के बाद से वो खुले आसमान के नीचे ही समय बिताने को मजबूर थे, लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने उनके लिए आशियाने बनाकर तैयार कर दिए हैं।